हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बीसा पेखट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चूंकि हम लोग इसके पहले वीडियो पढ़े थे करंट कैरिंग कंडक्टर्स टू स्ट्रेट वायर्स, अब इसमें आ गया राइट हैंड थंब। तो राइट हैंड थंब रूल में हम डिफाइन करते हैं कि दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट इज क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। तो अब आता है राइट हैंड थंब। तो राइट हैंड थंब रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर इज गिवन बाय रिंग एंड थंब। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट स्टेट दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर स्वैप अराउंड द कंडक्टर सो दैट द डायरेक्शन। अब जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट वायर हो गया, अब इसमें जो थंब का डायरेक्शन जो ऐसे, अब ऐसे देखो जैसे मान लो स्ट्रेट वायर इन विच द करंट भी फ्लो, इसमें क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, दे आर द मेकिंग ए ग्रिप। अब यहाँ पे जो हमारा थंब है, जो अंगूठा है, यह करंट के डायरेक्शन को बता रहा है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमारा थंब क्या ऊपर दिख रहा है, मतलब करंट भी मूव इन अपर डायरेक्शन, करंट हमारा ऊपर चल रहा है। तो हम जो ही इसको पकड़े तो करंट का डायरेक्शन हो गया थंब, यानी करंट ऊपर चल रहा है। तो ये फिंगर्स ग्रिपिंग, ये जो फिंगर्स है इसकी ग्रिपिंग जो होती है, देखो ऐसे टर्न हो रहा है एंड दैट इज आर द मेकिंग इन एंटी क्लॉक वाइज। तब इसका जो टर्न है वो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज हो गया। तो इसका मतलब हो गया व्हेन ए करंट विल फ्लो इन द कंडक्टर इन अपर डायरेक्शन, जब कोई करंट अपर मूव करेगा देन दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन जब वही हमारा करंट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जब वहां पर हमारा ग्रिपिंग होगा तब ऐसे होगा, जब ऐसे ग्रिपिंग होगा, यानी अब इसमें हम ऐसे बात करें अब थंब, यानी अब हम नीचे आ गया, इसका मतलब करंट डायरेक्शन क्या हो गया डाउनवर्ड हो गया। तो जब डाउनवर्ड हो गया तो हमारा जो फोर फिंगर ग्रिपिंग है वो क्या हो गया क्लॉक वाइज हो गया। तो जब ये क्लॉक वाइज बन गया तो अब यहाँ हो गया दैट मीन ए क्लॉक वाइज। तो व्हेन करंट विल मूव इन अपवर्ड तो अब हो गया एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया। जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया पहले हो गया हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। तो ये है राइट हैंड थंब। अब वही एक्टिविटी फिर यहां दिखाई, अब यहां इस फिगर में को डायरेक्ट दिखाया गया कि जब थंब ऊपर की तरफ है तो हमारा जो टर्निंग ग्रिपिंग है वो क्या है एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई के अपोजिट चल रहा है, इसलिए हम सुनते बोला है एंटी क्लॉक वाइज। When you wrap your the right hand around the straight conductor such that the thumb point in the direction of the current, the fingers will be wrapped around the conductor in the direction of the field line of the magnetic fields. तो they are known as the right hand thumb rule. अब इसी experiment में कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग मैक्सवेल स्क्रू गेज रूल भी करते हैं। क्या कहते हैं मैक्सवेल स्क्रू गेज। तो स्क्रू ड्राइवर आप देखते होंगे पेचकस, तो उससे चीज क्या हम किसी चीज को कसते हैं खोलते हैं, ध्यान जब आप उसको कसते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, ऐसे अंदर की तरफ जाता है। तो जब अंदर जाता है, नहीं अंदर मतलब इनवर्ड नीचे की तरफ, तब आपका रोटेशन क्या होता है क्लॉक वाइज होता है। जब उसी चीज को जब आप ओपन करते हैं तो क्या होता है बाहर आता है। तो जब ओपन करते हैं, जब वो बाहर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया देयर डायरेक्शन इज एंटी क्लॉक वाइज। वही हो गया कि जब किसी स्ट्रेट वायर में जब करंट अपवर्ड मूव करेगा तो अब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन माना जाता है, और जब करंट डाउनवर्ड किसी स्ट्रेट वायर में मूव करता है तो वहां पे जो टर्न होता है वो क्लॉक वाइज एक्सटेंड किया जाता है। अब इसके बाद आप मान लो कि अगर कोई वायर, अब मान लो ये वायर ऐसे हो गया पैरेलल, अब पैरेलल हो गया तो पैरेलल हो गया तो अब यहां पर अब करंट डायरेक्शन इधर दिखाया गया, तो करंट डायरेक्शन इधर इसमें दिखाया गया। तो अब यहां पर देखो फिंगर क्या है ऊपर से नीचे की तरफ
पा रहा है, तो ऊपर से नीचे तरफ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे मतलब आ गया यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो अगर हम पैरेलल वायर में अगर करंट कैरिंग करते हैं तो अब यहाँ पे थंब डायरेक्शन हो गया क्या था हमारा, लेफ्ट की तरफ हो गया, तो लेफ्ट की तरफ हो गया तो क्या हो गया, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या क्या एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर द मेकिंग द एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब वही हम कर ऐसे कर दें तो अब जब राइट साइड में कर देंगे तो अब यहाँ पर ग्रीपिंग क्या होगा, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमारा डायरेक्शन क्या होता है चेंज हो गया। तो अब हो गया कि अगर हम किसी वायर में स्ट्रेट वायर में अप या डाउनवर्ड या अगर हम पैरेलल फेज में अगर हम करंट मूव कराते हैं तो वी आर फाइन दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड रिलीजन ऑफ द टाइप ऑफ क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। अब यहाँ पर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज देने का मेरा मकसद दिया हुआ है, आपके बुक्स में इसके दो फिगर दिया हुआ है, जहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज मूव कराया गया वहाँ लिखा गया है नॉर्थ को ए एन लिखा गया है, और जहाँ पे क्लॉक वाइज मूव कराया गया वहाँ क्या लिखा गया है साउथ को। तो जब डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आप समझेंगे वहां पे कौन सा पोल क्रिएट हुआ नॉर्थ, ये अभी हम फुलरेंडर बताएंगे भी, और जहां पे क्लॉकवाइज होगा वहां पे क्या बन गया साउथ पोल बन गया, एंड दैट टू पोल आर द क्रिएट ऑफ द मैग्नेट, वहां पे मैग्नेट हमने दो पोल को क्रिएट कर दिया एंड दे आर इजीली डिफाइंड व्हिच पोल इज कॉल्ड नॉर्थ एंड व्हिच पोल इज कॉल्ड साउथ। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वी आर डिस्कस द थंब रूल and Maxwell screw gauge. In the next video, I discuss the process of the solenoid and how to determine the pole of the solenoid. Thank you.